Okay, I hope you guys are doing well. So today basically हम जो है guys बात करेंगे September के कुछ current affairs के बारे में. हाँ जी पूछिए रोहित क्या doubt है आपको. So we have already done one session on September के current affairs. Correct. आज हमारा ये दूसरा session रहने वाला है. And one more thing guys. आपका कल पॉलिटी का कोर्स, आपको पता है हमने पॉलिटी का रिसेंटली कोर्स स्टार्ट किया है, तो पॉलिटी की आपकी क्विज रहने वाली है. सो क्वेश्चंस विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग येट इम्पॉर्टेंट आल्सो येट थोड़े बहुत टफ भी हो सकते हैं. नहीं 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 स्कार्स से आप मेडिकली अनफिट नहीं होते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. मेडिकली अनफिट आपको इंटरनल प्रॉब्लम से होते हैं, एक्सटर्नल से नहीं होता है. ठीक है, तो स्कार्स वगैरह तो ऐसे बहुत सारे लोगों के होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. या डोंट वरी अबाउट दिस. कितने सारे लोग हैं किसी के एक्सीडेंट से होता है, कोई चोट नीचे गिर गया है, कुछ भी हो सकता है. बर्थ मार्क बचपन के भी मार्क्स होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे अनटिल एंड अनलेस उस चीज के एक्सीडेंट की वजह से आपको कोई इंटरनल कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन. Pushpender has joined. Hi Pushpender. So I hope you guys have come on plus also. Amir bhi aa chuke hai. Again I'm saying guys, abhi jo hai main aapke liye current affairs ka jo pura full fledged course leke aane wali hu as I promised to you before. To wo usi ka main draft prepare kar rahi thi. Kal hai Rohit kal. Good evening Pushpender. So November se guys, 1st November se jo hai main aapke liye करंट अफेयर्स का एक फुल फ्लेज्ड प्लस कोर्स लेके आ रही हूँ. उसके अंदर जो है हम अप्रैल से सारे करंट अफेयर्स करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई, और फिर जैसे कि वो कोर्स जो है आई थिंक आपका दिसंबर एंड या जनवरी तक चलेगा, जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक. तो उसमें मैं आपका नवम्बर दिसंबर भी साथ साथ कवर करवा दूंगी. अगेन जैसे आज हम करेंगे MCQs बेस्ड, तो उसमें भी MCQ बेस्ड ही रहेंगे. या वो क्विज से प्लस क्विजेस हमारी सिर्फ प्लस मेंबर्स के लिए ही होती है. तो मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, अगर अभी तक आप प्लस पे नहीं आए हो जल्दी से आ जाओ. देखो आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं नहीं गलत कुछ नहीं हुआ है. देखिए उन बच्चों को स्पेशल फील होने का भी कोई तो हक है ना कि वो प्लस पे आए हैं स्पेशली सब्सक्रिप्शन लेके. करेक्ट. सो आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, क्या होता है दे प्रॉमिस टू यू कि हाँ जी हम जो है आपको व्हाट कैन आई से कि वीकली टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे. बट व्हाट हैपन इवेंचुअली, क्योंकि ये एज अ स्टूडेंट मेरे साथ में भी हुआ है गाइस, तो क्या करते हैं शुरू में तो आप पीछे भागते हो कि हाँ क्विज बता दो कब है. आप लोग जो है पूछते हो कि कहाँ पे होएगी, कौन से हॉल में होएगी, कितने बजे होएगी. फिर इवेंचुअली क्या होता है आप लोग भी लर्नर्स भी सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं छोड़ो ना ये लोग कुछ तो करवाते हैं नहीं, ना इसके आंसर ही देते हैं, कुछ भी डिस्कस भी नहीं करते हैं क्वेश्चंस. सिंपली आंसर की प्रोवाइड करना इज नॉट द सोल्यूशन. करेक्ट. ये एक ड्यूटी होती है टीचर की कि उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करे क्लास के अंदर जिनमें बच्चों को डाउट होते हैं. करेक्ट. तो मेरा यही फंडा रहता है गाइस, आपकी जो क्विजेस होती है वो मैं बिफोर द सेशन लेती हूँ, ताकि जैसे ही हमारी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, और वो प्रोबेबली आपकी सेम डे होती है. जनरली आपने एजुकेटर्स हमारे एजुकेटर्स की भी देखी होगी क्विज, वो आफ्टर द क्लास रखते हैं. वेरस मैं क्या करती हूँ गाइस, आपकी क्विज जो है पहले रखती हूँ, ताकि सेम ही दिन जो है आप मुझसे क्लास के अंदर क्वेश्चंस वगैरह अपने क्लियर कर सके. वीकली होते हैं. हाँ जी बिल्कुल. चाहे मैं हफ्ते में, जैसे देखो कुछ एजुकेटर्स है जो 7 डेज क्लास लेते हैं, कुछ होते हैं 6 डेज लेते हैं, मैं जनरली 5 या 4 डेज रखती हूँ, ताकि आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने का, जितना भी एक हफ्ते में हम कर रहे हैं डिस्कस, तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करने का भी टाइम मिल जाए. तो अगर 4 दिन की क्लास रखी जा रही है चौथे दिन होगा क्विज, 5 दिन की रखी जा रही है तो 5वें दिन होगा. यस माय डियर जरूर लेना पड़ेगा. हाँ जी ठीक है. दिस इज अबाउट मी गाइस, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग रेगुलर आ रहे हैं. दैट मीन्स यू आर एक्चुअली लाइकिंग माय कोर्स, आपको अच्छा लग रहा है. एंड यस बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम फ्री प्लेटफॉर्म पे लेसन्स कब लेके आ रहे हो. मैंने आपको पहले भी कहा था सेप्टेम्बर में मेरा थोड़ा सा लास्ट वीक बहुत ही हेक्टिक हो गया था. यू गाइज वर
फॉलोइंग मी, आप लोग मेरी क्लासेस में आए थे तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि मैं बैक टू बैक आपकी क्लासेस ले रही थी. अब जो है गाइज, मैं आज ही आपके लिए सारा वो इम्पोर्ट कर रही थी अपने फ़ोन के अंदर, तो अब मैं जो है आपको वहाँ पे फ्री प्लेटफॉर्म पे भी लेसन्स प्रोवाइड कर दूंगी. वेर एज आई वुड सजेस्ट टू यू, स्टिल सजेस्ट टू यू कि आप लोग प्लस पे आ जाओ, क्योंकि प्लस पे रेगुलर क्लासेस हो रही है. तो ये जो टाइम गैप बीच में आ जाता है तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. अक्टूबर से लगूंगा, अक्टूबर तो डियर स्टार्ट हो चुका है, कब आएंगे कराइए ना, उसका कौन टफ आता है. तो एफकेट का हमारा कोर्स जो है 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है रोहित, इट्स अ बैच कोर्स. तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है वो अभिषेक पांडे जी ले रहे हैं, ठीक है. वेरस मैं आपको इंग्लिश प्रिपेयर करवाऊंगी एफकेट के लिए. आप देख सकते हैं कि मैथ्स के मिलिट्री एप्टीट्यूड के बाद में जो सबसे ज़्यादा सेक्शन होता है एफकेट के लिए वो किसका आता है, इंग्लिश का आता है. तो इंग्लिश तो भैया करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली. लास्ट मंथ से मैम, क्या कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, हाँ लास्ट मंथ, दैट मीन्स मैं अक्टूबर से ही आपको करवाऊंगी प्लस प्लेटफॉर्म पे. 5 हलवा, तो हाँ एक मैथ्स मैंने रियलाइज किया है कि अगर आपको बेसिक भी कॉन्सेप्ट पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस और ये जितने भी CISI वगैरह होते हैं, तो आप कर सकते हो इनको. वेर इज इंग्लिश इज समथिंग, जैसे आप अगर CDS का देखें तो CDS में सपोज आई एम टेकिंग सिनोनिम एंटोनिम, तो सिनोनिम एंटोनिम में क्या होता है कि आपको एक पूरा सेंटेंस दिया होता है, तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. एटलीस्ट आप 50-50 पे तो पहुंच ही जाते हो. वेर इज एफकेट में क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड ही होता है और उसका जो ऑप्शन भी होते हैं आप देख सकते हैं, वो भी टिपिकली बहुत ही डिफिकल्ट से ही वर्ड होते हैं. तो जरूरी है. अरे 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 अरे, अरे, अरे. नहीं नहीं नहीं, ये इतना मेरा भी सौभाग्य कहा है ना, टाइम है उसके अंदर. ओके, सो आई होप यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग ऑन अनअकैडमी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज नॉलेज हैक्स एंड रियली बहुत अच्छा लगता है. या आई हैव अटेंडेड. घर डिस्कस सजेस्ट, घर से पक्का और से पक्का घर डिस्कस सजेस्ट. कुछ पेंगे ऑफ कोर्स करूंगा, ऑफलाइन कोर्स करूंगा ये मैं. ये वही मैं कह रही हूँ पुष्पेंद्र, क्योंकि अभी जो है आपको थोड़ा सा सारे एजुकेटर्स की तरफ से जो है थोड़ा सा टाइम ऑफलाइन कोर्सेज पे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जो है आपके लिए प्लस पे आ रहे हैं, क्योंकि प्लस के बच्चे भी चाहते हैं कि हमें भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले. ओके, सो जल्दी से आ जाओ. तो ये तो सिर्फ CDS एफकेट है, अब ये हम CAPF, INET. अच्छा, आई होप कि आप लोग जो है आपकी फैमिली वगैरह फ्रेंड्स में कोई तो होगा जो एनडी के लिए भी तैयारी कर रहा होगा, क्लास 11, इवन क्लास 11 का ही बच्चा है, तो भी उसको मोटिवेट कीजिए कि फौज में जाइए. जब वो 3 एनडीए में और अपना 1 का टाइम पीरियड IMA वगैरह AFA में निकालता है, तो आप देखिए फर्क तो आपको खुद को फील होगा जब आप CDS के थ्रू जाएंगे और वो बच्चा NDA के थ्रू जाएगा, करेक्ट. तो प्लीज़ मोटिवेट दीज किड्स, चाहे वो 10वीं में है, 11वीं में, 8वीं, 9वीं में, कि उनको NDA में जाना चाहिए, ठीक है. और उसके लिए बेस जो है अभी से बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए. ओके गाइस, तो ये है हमारा अब लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन, तो मैंने इसकी पूरी इन्फो आपको दे दी है. सो गो फॉर 12 एटलीस्ट, ठीक है, इफ़ नॉट 24 तो 12 का तो ज़रूर लीजिए, ज़रूर. का पहले UPSC लग जाता है तो CDS का भी वही है, UPSC CDS में भी लगता है. और आप देखिए CDS के बच्चों के लिए तो कंपटीशन और हाई है, क्योंकि UPSC फिर एक मेच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग आपका पेपर क्रिएट करेंगे, वेयर NDA इज मोर ऑफ क्लास 11 and 12, करेक्ट. अच्छा, तो रोहित जैसे कि आना चाहते हैं प्लस के ऊपर, तो बाकी बच्चों को भी कहूँगी कि आप लोग जो है जितना जल्दी हो सके आ जाओ और ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए. इसके अलावा एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूंगी. यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कुछ नए बच्चे भी है, सपना कवर जैसे कोई, सपना ने मेरी कोई पहले क्लास नहीं अटेंड किया आई थिंक. हाय सपना, या आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यही 10% आपका 20% में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप 20 ये वाला या फिर ये वाला लेते हैं, ठीक है. सो इन तीनों में से कोई लेते हैं और इवन 24 ऑल्सो, सो दिस विल ब्रिंग 20% टू यू, अप टू 20% आई कैन से. मोटिवेटेड है, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके,
सो यू गाइज कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. इस पे जो है गाइज मैं आपको थोड़े यूजफुल कॉन्टेंट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आई कैन से. अच्छा निश्चय भी आ चुके हैं. निश्चय दिए वो क्वेश्चन जो है मैंने देख लिया था, मैं आपको अभी भेज देती हूँ. ईजी क्वेश्चन था, मैं आपको जरूर बता दूंगी उसके अंदर. ठीक है या पर अच्छा बात है ना, वन टाइम रहेगा, एक बार में करके निश्चिंत हो जाओ, बार बार का झमेला ही नहीं रहेगा. ठीक है तो इसीलिए मैं बार बार आपको सितंबर में भी कह रही थी गाइस, ये अक्टूबर में हमारे चार्जेस इंक्रीज हुए हैं. सो आई वाज कंटिन्यूअसली टेलिंग यू गाइस कि सितंबर में सब्सक्रिप्शन ले लो ले लो. अभी ये जो है 8000 तक हुआ है, यू नेवर नो, ये नवंबर में और भी इंक्रीज हो सकता है. सो गो गेट इट नाउ ओनली. ओके और टाइम मत वेस्ट कीजिए. मैं अगर अपने कोर्सेज के बारे में बताऊँ तो 7 बजे आज जो है, जैसे कि हमारा पॉलिटी चलता है तो काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा सेटिएटेड है मेरे इस पॉलिटी के कोर्स के थ्रू. और इसके अलावा जो है 9 PM पे हमारा इंग्लिश का कोर्स चल रहा है. दोनों ही बड़े कोर सब्जेक्ट्स है आपके किसी भी डिफेंस एग्जाम के. करेक्ट. चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं. सो ऑलराइट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क में देख दिया था वैसे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सेंट इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट हम व्योमनॉट कॉस्मोनॉट के बारे में बात कर रहे थे, टू स्पेस इन सितंबर 2019. जिस दिन ये गए स्पेस के अंदर, बेसिकली कजाकिस्तान से जो है गए, ये रॉकेट इनका गया था. तो बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जो कि UAE में है, उसके ऊपर भी जो है उन एस्ट्रोनॉट की, इमराती एस्ट्रोनॉट की जो है पूरी इमेज दिखाई गई थी, बहुत बड़ी सारी, बहुत शानदार थी. सो UAE इज द करेक्ट आंसर. और इसी के साथ में पहली ये गल्फ कंट्री बन चुकी है जिसने अपना पहली गल्फ कंट्री बन चुकी है जिसने अपना एस्ट्रोनॉट जो है ISS में भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर. द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम UAE सेट टू फ्लाई टू दी, बेसिकली अभी निकल गए हैं, 25 सितंबर को चले गए हैं गाइस, 10 दिन तक ये रहेंगे वहां पे. सो प्रोबेबली आप देख सकते हैं 4 कल या परसों तक ये फिर से आ जाएंगे. हजा अली अल मंसूरी, इवन जो आपको पता है UAE के प्रिंस है, उन्होंने ट्वीट करके जो है बधाई दी थी, माय ब्रदर अल मंसूरी हैज गॉन, इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च विद नासा रुकी एस्ट्रोनॉट. देखो इसमें 3 लोग गए हैं, तो नासा के गए हैं जेसिका मेयर, फिर रशियन कमांडर गए हैं ओलेग स्क्रीन पुचका फ्रॉम दी बाइकोनोर कॉस्मोड्रोन इन कजाकिस्तान. इफ यू रिमेम्बर तो हमने जो है एक और क्वेश्चन किया था कि रशिया ने जो है अपना पहला फुल ह्यूमन साइज रॉबोट भेजा है, इफ यू रिमेम्बर ह्यूमन साइज रॉबोट, तो वो भेजा था इसी बाइकोनोर कॉस्मोड्रोन कजाकिस्तान के थ्रू. ये जो है गाइज अगेन पहला है ह्यूमन साइज रॉबोट. तो मैंने हम अगस्त का जब करंट अफेयर्स कर रहे थे तो वी वर डिस्कसिंग दिस थिंग कि ये क्या क्या काम करेंगे वहां पे जाके. तो 2 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत ज्यादा. रशिया का भी गया है, रशिया का ह्यूमन साइज रॉबोट भी गया है पहली बार. इससे पहले 2011 के अंदर नासा अपना भेज चुका था, तो नासा जब लेके गया था अपना रॉबोट हो ह्यूमन साइज पूरा 6 फीट टॉल जो था, और ये भी 6 फीट या 6.5 फीट टॉल है ये, तो वो विश्व का पहला ह्यूमन साइज रॉबोट बना था पूरा फुल साइज रॉबोट, और ये जो है रशिया का पहला बन चुका है. ये ट्रायो जो है दिस विल लॉन्च ऑन ए सुइज स्पेसक्राफ्ट ऑन सितंबर 25. या यही मैं आपको बता रही हूँ. तो ये रशिया का पहला गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा. ह्यूमनॉइड इसका नाम रखा गया है, ह्यूमनॉइड. तो वो कोर्स जो है गाइस आज मैं टीम को भेज दूंगी, तो प्रोबेबली 2-3 दिन में वो लॉन्च भी हो जाएगा. आपको पता लग जाएगा कि नवंबर 1 से जो है हम ये करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे. सो आप देख सकते हैं पिक्चर अल मंसूरी जी की. आगे बढ़ते हैं. राज पटेल भी आ चुके. ओके सो दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो. हु विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिस ईयर. जी हाँ, वेरी गुड. अमिताभ बच्चन जी एट द एज ऑफ 76, और इनका जल्द ही बर्थडे भी आ रहा है. देखिए 77th बर्थडे भी आ रहा है. यस 1969 में 7 हिंदुस्तानी मूवी के साथ ये लॉन्च हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ी फ्लॉप की थी एक्चुअली. अच्छा कोई बता सकता है पिछला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था पिछला? ये तो 2019 की बात होगी.
2018 में किसी को नहीं मिला था, 2017 में विनोद खन्ना जी, क्योंकि उनकी खैर डेथ भी हो गई थी तो पोस्टमसली मिला था उनको. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. खैर ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, बट या अच्छा है कि आप लोगों को पता है. मैम वन सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम के, नो नो, सारे ओनली डिफेंस कैटेगरी राज, ओनली एंड ओनली डिफेंस कैटेगरी. तो ये जो CDS, CAPF, AFCAT, NDA जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी सबकी तैयारी हो जाएगी. तो कैटेगरी वाइज है, SSC का अलग होता है, SSC में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी होती है, डिफेंस का अपना, बैंकिंग का जितने एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी होती है, अलग अलग है. ओके, तो आप जो है डिफेंस का ले लीजिए. क्या कह रहे हैं रोहित, क्या कह रहे हैं मैम, कर AFCAT वाले करंट पूछते ही नहीं? ऐसा तो नहीं है, पूछते तो हैं, ये बात नहीं कह सकते हैं हम, बट यह है थोड़े आउटडेटेड भी पूछ लेते. जैसे आपने देखा था इस बार एक क्वेश्चन आया था, जब जो 24-25 अगस्त को पेपर होता, उसमें क्वेश्चन पूछा था जो 2018 का था कि एक साथ कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, इफ यू रिमेम्बर. तो हम 108 करेक्ट, निश्चय सही बोल रहे हैं. आमिर बताइए जरा, तो फिर निश्चय आप ही बता दीजिए. जी हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, 104 भेजे थे. वेरी गुड, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं. हाँ अच्छा अच्छा एक सेकेंड, मैं आप एक सेकेंड से, हैवीएस्ट सैटेलाइट कौन सा है ओवरऑल आप पूछना चाहते हैं? या तो ओझा पल्लवी 99 है राज पटेल, तो ये आप ऊपर देख सकते हैं. अच्छा ये आपके सेट, तो ये जो एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रही हूँ कि यू नेवर नो एक्चुअली, इवन क्वेश्चंस आते भी हैं. AFCAT में आप देख सकते हो बहुत ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही ओवरऑल कम होते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें. करेक्ट, 25 क्वेश्चंस के अंदर इनको, 20-25 क्वेश्चन के अंदर इनको स्टैटिक भी देना होता है, करंट भी देना होता है, एवरीथिंग दे हैव टू टेक. यस यस, अरोरा जी जो है वाइस एशिया. हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है. पुष्पेंद्र ये पता है हमें, हमने डिस्कस करेंगे ये, डोंट वरी. एक्चुअली क्या होता है गाइज, आप मुझे पता है, अगेन जैसे मैंने कल कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, तो मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोग मेरी क्लास में आते हैं, बट आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो प्रोवाइड करते रहते हैं, तो ना चाहते हुए भी जो है मेरा ध्यान यहाँ चल जाता है, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, बस यही बात है. SEC कंट्री कैपिटल पूछते हैं. तो ये जो हम 1 नवंबर से हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हर एक क्लास में हम एक कंट्री कैपिटल डिस्कस करेंगे. ओके, सो इसी तरह जो है आपके सारे कंट्री कैपिटल्स भी हो जाएंगे विद करेंसी एंड जो भी स्पेशल फीचर्स होंगे. ओके, एट 76 बिग बी हैज जस्ट एडेड अनदर फेदर टू हिज ऑलरेडी बिजुल्ड कैप. ये पद्म विभूषण से सम्मानित है, पद्म भूषण से सम्मानित है, बस इनको भारत में ही नहीं मिला है. अमिताभ बच्चन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नेशनल अवार्ड है देखो, फॉर द ईयर 2018 के लिए मिल रहा है इनको 2019 के अंदर, ठीक है. तो विनोद खन्ना जी को जो है 2018 मिला था, 2017 के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ IB प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है ट्वीट करके इनको बताई थी और ये अनाउंसमेंट किया. ओके ऑलराइट, हु हैज बीन ऑनर्ड विद चेंज मेकर्स अवार्ड अंडर गोल कीपर्स अवार्ड बाय बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये गोलकीपर अवार्ड की कैटेगरी थी चेंज मेकर अवार्ड, जिसके तहत इनको मिला. अच्छा इसमें जो है गाइस, सब लोग मोदी मोदी याद कर रहे हैं, आपको क्या पता है मोदी जी के साथ में एक और इंडियन को जो है ये अवार्ड मिला था. यस यस, तो उसके बारे में कोई किसी ने जिक्र नहीं किया. शी इज फ्रॉम राजस्थान, ये है नरेंद्र मोदी, तो इनके बारे में ज्यादा नहीं बता रही. यस यस, पायल जांगीर, शी इज अ राजस्थानी टीनेजर गर्ल. इन्होंने जो है गाइस चाइल्ड मैरिज हुई थी, तो इन्होंने खुद ने जो है अपोज किया और अपने गांव के आसपास की लड़कियों को भी प्रेरित किया कि आप चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जाइए. सो ये जो है गाइस, फॉर हर एफर्ट्स टू इराडिकेट प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान, बड़ी प्रोमिनेंट है. पायल वॉज ऑनर्ड इन द सेम इवेंट इन विच PM Modi had received the goalkeeper award. तो इनको भी चेंज मेकर अवार्ड ही मिला है. कमिंग फ्रॉम हिंसला विलेज इन राजस्थान, पायल सर्व्ड एज द हेड ऑफ बाल पंचायत, की हेड है ये चिल्ड्रंस काउंसिल इन अ विलेज एज पार्ट ऑफ बाल मित्र ग्राम चाइल्ड फ्रेंडली विलेज प्रोग्राम, जो कि सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पीस प्राइज से जो है इनको नवाजा गया है. तो सत्यार्थी जी का बचपन बचाओ आंदोलन, और इसी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको अवार्ड मिला था. बचपन बचाओ, तो मैनुस्क्रिप्ट स्कैवेंजिंग तो जो दूसरा है,
विल्सन बिजवाड़ा को मिला था वो तो, ये प्लस पे मिलेगा पुष्पेंद्र प्लस पे, ठीक है। तो उस पे ही जो है हमें प्रोवाइड करने का प्रोविजन है। यहाँ पे जो है आज आप जो पढ़ेंगे तो ये कल, आई थिंक आप ही लोगों ने मुझे बताया था, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि 24 घंटे के बाद में जो है ये पूरा सेशन जो है पीडीएफ में कन्वर्ट होके आपको मिलेगा। बट ये है कि जितना मैं करवा पाऊंगी सिर्फ उतना ही मिलेगा, अदरवाइज आप प्लस पे आएंगे तो मैं आपको वैसे ही प्रोवाइड कर दूंगी। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने इनको विश किया था, शी इज पायल जहांगीर, आप देख सकते हैं इनको प्राइज मिल रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Who has been awarded with Veteran Pin Award? Veteran Pin Award है, ध्यान से पढ़िए, by International Association of Athletics Federation recently. Options देखते ही समझ आ जाएगा, veteran है तो इनमें से veteran कौन है? It is only PT Usha जी. Very good, very good. तो ये देख सकते हैं, ये International Association of Athletics Federation ही काफी prominent है, आपको सब जानते हैं। तो PT Usha ने अपनी जो है हार्दिक इच्छा और आई कैन से ग्रेटिट्यूड जो है शो किया था इसके अंदर। एनीवेज, अगला क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स हैज बीन वन बाय द इंडियन डुओ ऑफ पंकज अडवाणी एंड आदित्य मेहता रिसेंटली। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आदित्य मेहता जाने या ना जाने, पंकज अडवाणी तो सब जानते हैं। गुड गुड गुड, वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप, यस यस यस। तो ये देख सकते हैं, इवन गाइस आदित्य मेहता बहुत शानदार खेलते हैं, ये ही इज वेरी यंग, आई थिंक 23-24 इयर्स के हैं और बहुत शानदार खेलते हैं। सो द इंडियन डुओ ऑफ पंकज अडवाणी एंड आदित्य मेहता ओवरकेम अ टफ थाई टीम, तो थाईलैंड की टीम थी इनके आगे जो राइवलरी टीम थी, टू इमर्ज वर्ल्ड चैंपियंस इन इंडियन सॉरी इंटरनेशनल IBSF स्नूकर फेडरेशन कुछ होगा इसके अंदर, वर्ल्ड स्नूकर टीम इवेंट एट मैंडाले जो कि म्यांमार के अंदर हुआ था। Yes, yes, yes. I have tried my hand in वो कौन सा होता है, पूल में ट्राई किया था तभी समझ आ गया था। इवन स्नूकर का तो जो टेबल का साइज होता है बहुत बड़ा होता है, एक साइड 12 फीट होता है, एक साइड खैर डिफरेंट डिफरेंट साइज में आते हैं, बट जनरली जो ये पंकज अडवाणी जो खेलते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो अमेजिंग, सीरियसली मैन, ये काफी फोकस वाला जो है गेम है ये, तो आप सही कह रहे हैं, बट बहुत एलीट लगता है, देखो कैसे स्मार्टली ये एकदम ड्रेस्ड अप होकर प्ले करते हैं, तो दैट इज अमेजिंग। ओके, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड बेस्ट मेल फुटबॉल प्लेयर बाय फीफा के थ्रू, फीफा, मेसी जी की जय हो। यस यस यस, सैडली मेसी, सैडली क्यों कह रहे हैं, क्रिस्टियानो पसंद है। तो यस, मैं ये न्यूज में पढ़ी थी गाइस, मतलब मिलान में ही हुआ था एंड क्रिस्टियानो भी वहीं पे थे और रोनाल्डो जो है क्योंकि इनको पता लगा कि ये मतलब जो ऑनर है मेसी को मिलेगा तो इन्होंने ये शो अटेंड ही नहीं किया था। अच्छा, CR7 क्या है, कुछ ऐसा इनका नाम है क्या क्रिस्टियानो का? योनल मेसी ऑफ FC फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एंड अर्जेंटीना, ही इज फ्रॉम अर्जेंटीना, सॉरी ही इज फ्रॉम अर्जेंटीना, या ही इज फ्रॉम अर्जेंटीना बट ही प्लेज फॉर बार्सिलोना, राइट। अच्छा, 7 जर्सी नंबर है, ओके ओके। पोजेस विद द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड एंड द फीफा, इनको दो अवार्ड्स मिले थे, फीफा FIF प्रो मेंस वर्ल्ड 11 अवार्ड आल्सो, ओके ओके। तो आप लोगों को तो है ज्यादा पता होगा, मेसी एवरीबॉडी नोज हिज टैलेंट, या तो इवन इफ यू रिमेम्बर CDS में एक बार क्वेश्चन भी आया था इनको जो है जो हाइट का, अच्छा कुछ बता सकते हैं कि हाइट का नेचुरल हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है हाइट के लिए? तो इनको, आपको पता है कि हाइट कम है तो इस वजह से इनको जो है थोड़ा मेंटल ट्रॉमा भी फेस करना पड़ा था, और CDS में एक क्वेश्चन आया था विच इज द हार्मोन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हाइट, गुड हाइट गाइस, और आई मीन हमारी ग्रोथ को जो है वो I can say produce करता है, anyone don't know, pituitary gland करता है ना, pituitary gland growth hormone जो होता है, या बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो मुझे भी एक बार जो है याद नहीं आया, बट फिर आपसे याद
बात करते करते मुझे याद आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ हॉर्मोन. सो देयर इज नो पर्टिकुलर नेम फॉर इट, बट या ग्रोथ हॉर्मोन आपको पता ही, TSH, ASH जो होते हैं, जो थायराइड के को आई कैन से कंट्रोल करता है. तो ये ग्रोथ हॉर्मोन, कुछ लोगों में जो है एक ग्रोथ हॉर्मोन कम होता है, इस वजह से उनकी हाइट कम होती है, कुछ के अंदर बहुत ज्यादा होती है, खली जैसे लोग होते हैं जैसे कि, तो लकीली मेरी हाइट भी अच्छी है. एनीवेज द विमेंस, अच्छा अब मेल में तो क्रिस्टियानो को मिला, फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, मेगन रेपिनो. सो ये गाइज अमेरिकन फुटबॉल क्लब में है. यस यस यस, सो शी इज एन अमेरिकन और ये सॉकर प्ले करती है. तो सॉकर का नाम सुनते ही जो है, हाँ तो ये एग्जैक्ट ये सोमैट्रोफिटिन जो है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. जनरली पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, तो ये बताते हैं क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ये आपका टेंथ और नाइन्थ का, तो कहीं पे भी इसका नाम नहीं लिखा हुआ है NCERT की बुक में बेसिकली. सो पिट्यूटरी ग्लैंड. अच्छा अगर मैं बात करूँ प्लांट के अंदर कौन सा हॉर्मोन होता है विच इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ये तो ह्यूमन्स की बात होगी ना जो पिट्यूटरी सिक्रीट करता है. ऑक्सीजन, वेरी गुड वेरी गुड. सो ये मैं देख रही थी शी इज अ सॉकर प्लेयर गाइस, तो मैं बड़ी वंडर हुई, आई वॉज लाइक बिट ऑफ मेस्मराइज कि देखते हूँ सॉकर और फुटबॉल में क्या डिफरेंस है. सो आई गॉट टू नो कि फुटबॉल में आप, हम देखते भी है शोज के अंदर बेसिकली मैचेस में, आप लोग भी शायद खेलते होंगे जरूर, अच्छा बहुत ही अग्रेसिव और बहुत अच्छा गेम है. सो फुटबॉल के अंदर जैसे कि आप अलॉन्ग विद योर फीट यू कैन यूज योर टॉर्सो एंड हेड ऑल्सो टू हिट द बॉल, राइट. सॉकर में ओनली एंड ओनली फीट, सॉकर में ऐसा अलाउ नहीं होता है. हाँ हाँ यस यस यस, तो बाकी सब सेम होता है. ओपोनेंट के एरिया के अंदर आपको गोल करना होता है, एवरीथिंग नेट में डालना होता है. ओके अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द फीफा अंडर 17 विमेन्स फुटबॉल कप 2020 बी हेल्ड. यस यस, जल्दी जल्दी चलते हैं. आई कैन सी बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे, क्या बात है, जल्दी आंसर कीजिए सब लोग. यस, इंडिया इज द करेक्ट आंसर. तो इंडिया की चार जगहों पे होगा गई, जिसमें कलिंगा का तो नाम फाइनल हो गया, अब बाकी जो है कलकत्ता, कोलकाता, नवी मुंबई, गोवा और अहमदाबाद के अंदर देखते हैं कि कौन सी तीन सिटीज होगी जहां पे ये गेम होगा. सो ये अगले साल 2 से 21 नवंबर के बीच में होगा 2020 के अंदर. नहीं इतना तो मुझे नहीं पता कि NBA कब होगा, ये टाइम रनिंग का मैम सबका टाइम क्या कह रहे हैं पुष्पेंद्र, अच्छा आपके टाइम रनिंग टाइम ऐसा कुछ कह रहे हैं. एक्चुअली हमारे देश के अंदर कोई मेजर बास्केटबॉल टीम है नहीं ना, ये USA वगैरह में फेमस है, माइकल जॉर्डन जैसे के हुए. यस, वेयर विल दी हिम विजय एक्साइज नियर चाइना बॉर्डर कंडक्टेड दिस ईयर. तो ये अभी तक हुआ नहीं है, अक्टूबर में होगा गाइस. अभी जब अक्टूबर के करंट अफेयर्स करेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. रनिंग करने का मैम डिफेंस, अच्छा 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 AP, इट इज अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड. तो आप एक काम पे फोकस कर लीजिए पुष्पेंद्र, इधर यू डू योर रनिंग स्टफ और या फिर क्लास अटेंड कर लो ज्यादा, फिर दोनों तरफ वो वही बात हो जाएगी, मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल, करेक्ट. कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. द एक्सरसाइज कोड नेम, अच्छा द एक्सरसाइज का नाम क्या रखा, हिम विजय, इज स्केड्यूल्ड टू बी कैरिड आउट बाय इंडियन आर्म फोर्सेस इन अक्टूबर 2019 इन अरुणाचल प्रदेश, चाइना बॉर्डर पे एकदम. तो इसके अंदर हमारे काफी सारे अमेरिकन वेपन्स जो लेटेस्ट आए हैं. मुझे गाइस पिछले महीने जो है अगस्त के अंदर चिनूक लाइव देखने का मौका मिला एंड इट वॉज अमेजिंग, बहुत शानदार. M777 अल्ट्रा लाइट होवर्टाइजर एंड चिनूक, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार. यस, और वो भी फ्लाई करता हुआ, बहुत शानदार. गंगाधर भी आ चुके हैं, हाय गंगाधर. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, नहीं मेरे पास में वीडियो तो नहीं है, मतलब इतना जल्दी वो निकला कि मैं फोटो भी क्लिक नहीं कर पाई, तो मतलब बट बहुत शानदार था. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स, मतलब यहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो दफ्तर है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, क्या काम कर रहे हैं और सारी चीजें जो आपको पता लग जाएगी. इट इज राजस्थान, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर.
प्लीज अगर आपको आंसर नहीं पता है तो काइंडली पुट एन, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को ये चीज नहीं पता है. यस, राजस्थान. राजस्थान हैज नाउ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन अबाउट अ डजन डिपार्टमेंट्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. निश्चय अगर दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि खैर अभी काफी सख्ती भी हो रखी है टीचर्स वगैरह को लेके. दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया था. The portal has been launched under Rajasthan Innovation Vision, which is called Rajiv Campaign Rajasthan Innovation Vision. The move will bring transparency and accountability in these departments, basically. So it is Rajasthan. Detail में नहीं पूछेंगे. States के बारे में ज़्यादा detail में नहीं पूछते हैं. Where has the biggest solar power farm in Southeast Asia? Southeast Asia been inaugurated recently. So you can see, इसमें मैं अफगानिस्तान को मुझे नहीं करना चाहिए. I would better say Thailand. No idea. Okay. अच्छा थाईलैंड तो बैंकॉक ही हो गया ना. ओहो कौन सी कंट्री डाले? लाओस डाल देते हैं. चलो कंबोडिया, बैंकॉक, वियतनाम, विच इज थाईलैंड बेसिकली. इट इज वियतनाम. वियतनाम इज द करेक्ट आंसर. वियतनाम की कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ वियतनाम. वेरी इजी, वेरी शॉर्ट, वेरी स्वीट सी कैपिटल है वियना. ओ माय गॉड आजू, कहां वियतनाम. वियना साउंड लाओस इज अ कंट्री. साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कच्चा है ज्योग्राफी अभी आपका. वियतनाम की कैपिटल है हनोई. हनोई इज द कैपिटल. लाओस तो खुद एक कंट्री है, तभी तो सारी कंट्रीज डाली है मैंने यहाँ पे. अभी बच्चे ने किसने बताया मेरे को वियना, किसी ने कहा आज ने वियना कहा. वियना किसकी कैपिटल है गाइस? वियना इज द कैपिटल ऑफ वियना कन्वेंशन ऑस्ट्रिया. गुड, वेरी गुड. शक्तिमान नोज एवरीथिंग. गुड. हनोई, ये देख सकते हैं कितना बड़ा सोलर, मतलब अमेजिंग गाइस. हमारे देश को बहुत जरूरत है इसकी. करेक्ट. वियतनाम हैज इनॉग्रेटेड साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर फार्म विच हैज द कैपेसिटी ऑफ 688 मिलियन किलोवाट पर आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली. 688 मिलियन किलोवाट आवर पर आवर इतनी इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी एक घंटे में. वाओ. खैर आज जो है मैं देख रही थी प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है अपना एक आर्टिकल लिखा हुआ था अखबार के अंदर, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तारीफ कर रहे थे. जी हाँ. और खैर हमारा टारगेट भी है 2022 तक 100 गीगावाट हमें निकालना है, जैसे कि करेक्ट सोलर पावर. सोलर पावर. ऑस्ट्रिया इज अ यूरोपियन, इज इन यूरोप, इट्स अ यूरोपियन कंट्री. हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द पद्म विभूषण? पद्म विभूषण. गाइज मेरी पूरी कोशिश रहती है, मान लो भी सितंबर का चल रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस साल के जितने भी लेटेस्ट उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स है तो वो भी मैं आपको साथ साथ डिस्कस करवा दूँ. तो मुझे याद रहते हैं, अगर मान लो थोड़ी सी अगर आई कैसे वेग मेमोरी भी रहती है उस रिगार्डिंग, तो मैं सर्च कर लेती हूँ. सो मेरी कॉम, मेरी कॉम ने हालिया में जो है हाल ही में एक बहुत ही फेमस चैम्पियनशिप भी जीती थी. एनी वन गोल्ड जीता था, कोई बता सकता है? यस, मेरी कॉम इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. मेरी कॉम का नाम जो है रखा गया है आगे पद्म विभूषण के लिए. शी इज अ बॉक्सर. अरे ये क्या बात कर दी, क्रिकेटर एथलीट नहीं होते, शूटर्स एथलीट नहीं होते, ऑल आर एथलीट ओनली. तो इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ जो रनिंग करते हैं दे आर ओनली एथलीट. प्लीज इस मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा. ओके हाँ जी, तो ये मैं समझती हूँ. जनरली लोगों को लगता है कि जो रनिंग करते हैं जैसे हीमा दास, दुखी चंद और जैसे कि विल्सन जॉनसन है, तो ऐसा नहीं है. जॉनसन जॉनसन ना उनका नाम कुछ इस तरीके से है. बॉक्सर्स भी सब लोग होते हैं एथलीट. ओके ओके. सो या पद्म विभूषण हो गया इनके लिए. तो इन्होंने गाइस जुलाई के अंदर ही आई थिंक प्रेसिडेंट कप जीता था
गोल्ड जीता था तो इसकी वजह से इनको मेनली मिल रहा है. मेरी कॉम आप देख सकते खूब सारे अकम्पलिशमेंट भी है इनके पास में, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, इससे बड़ा अकम्पलिशमेंट क्या होगा. करेक्ट, ये तो बात होगी पद्म विभूषण की. पद्म भूषण किसको मिल रहा है, वो भी अगेन एक फीमेल एथलीट ही है. पद्म भूषण यार ये नाम, मतलब आपको पता है कि सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था कि मैरी कॉम की कैटेगरी क्या है. मैं जितनी बार इनका देखती हूँ ना, ये हर बार अलग अलग कैटेगरी में खेलती होती, कभी 51 में खेल रही होती है. अभी ये जो मैं आपको बताऊंगी प्रेसिडेंट, ये इन्होंने 51 में जीता है. हाँ तो पहले ये जो है 48 में खेल रही थी. तो ये मेरे को, और इवन लोग भी जैसे कि अगर विनेश फोगाट वगैरह के बारे में बात करूँ तो इनकी ऑलमोस्ट इस गैप के अंदर चलती रहती है, तो 1-2 किलो जो है ऊपर नीचे खेलते हैं ये लोग. क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने शायद दंगल मूवी में भी देखा था कि इनकी पर्टिकुलर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग गेम्स होते हैं, तो थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो जाता है या कम हो जाता है तो भी कैटेगरी चेंज कर देते हैं. हाँ गीता बबीता. अच्छा तो पद्म भूषण बताइए, पद्म भूषण किसको मिल रहा है गाइस, किसने इस साल एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट किया है. नॉट क्रिकेटर, क्रिकेटर नहीं, विराट कोहली वगैरह कोई भी नहीं है. HT या चलो बैडमिंटन है, वेरी गुड. अब बैडमिंटन से तो बहुत ही क्लियर हो गया है, सिंधु को मिल रहा है. गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अच्छा लगा कि आपने बैडमिंटन जो है ट्राई किया, गेस किया. यस, पीवी सिंधु जी को मिल रहा है. एट द एज ऑफ 23 शी इज गेटिंग पद्म भूषण. Okay, so in 6-time world championship champion MC Mary Kom, the sports अभी आपको पता भी है जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जीत के आई है BWF, उसके बाद में तो ये नंबर वन पे आ चुकी है. इन 6-time वर्ल्ड चैंपियनशिप MC Mary Kom, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर. कौन है स्पोर्ट, या किरण रिजिजू है. फॉर द फर्स्ट टाइम शी रिकमेंडेड अ वुमेन एथलीट फॉर द प्रेस्टीजियस पद्म विभूषण विच इज द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे देश का आफ्टर भारत. तो पद्म, सॉरी मैरी कॉम को गाइस पद्म भूषण मिल चुका था, तो देखिए और कुछ तो बचा ही था इनको, पद्म भूषण ही मिलना था. 2013 में मिला था, पद्मश्री इनको 2006 में मिला था. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो इनके लेटेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में बात करें गाइस, तो ये मैंने न्यूज जुलाई की न्यूज में भी कवर किया था मैंने. 6-time वर्ल्ड चैंपियन MC Mary Kom claimed the gold medal without breaking a sweat in the 23rd President Cup, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था in 51 kg. तो इसके बाद में काफी, मतलब I can say काफी acclaim किया गया था, क्योंकि President Cup काफी famous cup होता है. Mary Kom movie भी देखी होगी आप सभी ने, बहुत अच्छी movie थी, अच्छी movie थी, बहुत शानदार role किया था. मतलब डेफिनेटली प्रियंका चोपड़ा को उनकी एक्टिंग के लिए हम डेफिनेटली अक्लेम कर सकते हैं. शी इज अ वेरी फाइन एक्टर, कितनी वर्सेटाइल एक्टर है. स्पेशली जो इनकी मूवी थी, आई रिमेम्बर कौन सी मूवी थी, बर्फी मूवी जो थी, अमेजिंग. अभी 11 अक्टूबर को आ रही है इनकी मूवी स्काई इज पिंक. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा सीक्रेट गेम्स, मैंने सुना कि सेकंड इतना अच्छा नहीं जितना कि फर्स्ट. खैर मैंने नहीं देखा है, बट फर्स्ट आई हर्ड ये काफी अच्छा था. बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु बी नॉमिनेट फॉर द पद्म भूषण विच इज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. और भी बहुत सारे. अच्छा अगर हम पद्म विभूषण की बात करें गाइस, तो मेरी कॉम से पहले जो है, इफ यू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, देखो इसीलिए मैं आपको जो है ये एक्स्ट्रा इन्फो प्रोवाइड करती रहती हूँ. एस्पेक्ट का क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू गेट पद्म विभूषण. करेक्ट, तो कंप्लीटली अगर मान लीजिए कि मेरा जो क्वेश्चन मैं पुट करती हूँ, इफ दैट डज नॉट कम डायरेक्टली, तो एटलीस्ट इन नोट्स के थ्रू तो आपको चीजें जरूर मिल जाती है. करेक्ट, सो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है, एंड माउंटेनियर सर एडमंड हिलरी. तो पद्म भूषण वगैरह जो होते हैं, इवन भारत में भी आपने देखा था कि फॉरनर्स को मिलता है. हु आर दी ओनली टू फॉरनर्स जिनको भारत में मिला हुआ है, सो एडमंड हिलरी वॉज नॉट एन इंडियन. क्या कह रहे हैं निश्चय, ही वॉज ये गोरखा कह रहे हैं आप, वो तो टेंजिंग नॉर्गे थे ना, सो ही वॉज फ्रॉम न्यूजीलैंड. करेक्ट,
अच्छा गफार खान एंड यस यस खान अब्दुल गफार खान ओके आप ऐसे कहना चाह रहे हैं ओके 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 यस एंड नेल्सन मंडेला अब ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से पहले किसको मिला था पहले किसको मिला था हु वाज द फर्स्ट टू गेट भारत खान जी को मिला वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड हाईली इंप्रेस्ड बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द करिकुलम फॉर लाइफ स्किल्स जीवन कौशल लाइफ स्किल्स तो आप समझ सकते हैं लाइफ स्किल सबसे ज्यादा कहाँ जरूरत होती है बच्चे को जरूरत होती है करेक्ट और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है देश के बेसिकली एचआरडी मिनिस्ट्री होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वेरी गुड बहुत बढ़िया आरजू विमेन देखो मैंने ये कंफ्यूज करने के लिए ही मैं पुट करती हूँ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली जो शिक्षा का काम होता है देखो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह तो चाइल्ड डेवलपमेंट तो शिक्षा का काम जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का होता है डेवलपमेंट का वेरियस विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनका जो मैल रिलेशन बहुत है मैं न्यूज देख रही थी न्यूज पेपर के अंदर तो देख रही थी मतलब हालात बहुत बुरे हैं देश के अंदर कुपोषण के शिकार बच्चे छोटे छोटे बच्चे बेचारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो सेंटर पे तो यस निशांक जी है निशांक कहते हैं उनको वेर स्टेट के जो संजय धोत्रे हैं ही हैज रिसेंटली लॉन्च द करिकुलम फॉर लाइफ स्किल्स जीवन कौशल डिजाइन बाय यूजीसी के द्वारा जो है डिजाइन किया गया यूजीसी का नया नाम क्या रख दिया यूजीसी भी कहते हैं इवन आपने अभी जो ये अरिबंदो चौधरी वाला केस हम देख रहे थे ट्रिपल आई डबल आई बी एम वाला जो था आई आई बी एम आई थिंक आई आई बी एम था कुछ ऐसा था या एच ई सी आई हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया द करिकुलम कवर द सेट ऑफ ह्यूमन टैलेंट्स एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल बाय क्लासरूम तो ये स्मार्ट लर्निंग वगैरह जो चलता है बी कॉम वगैरह लर्निंग ऑफ और लाइफ एक्सपीरियंस That can help. अब आप देखो गाइस ये जो मॉरल बुक आती थी हमारे बचपन के अंदर तो वो छोटे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए इवन क्लास 11, 12 के भी आई फील करिकुलम के अंदर ये मॉरल साइंसेज वाली बुक जरूर होनी चाहिए कंपल्सरी होनी चाहिए उसका पेपर भी होना चाहिए बल्कि करेक्ट एटलीस्ट पेपर के बहाने तो लोग कुछ सीखेंगे है ना तो चीजें हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो इम्पार्ट भी होती है इन अ वे This include the core skills each individual must possess internally as well as externally for the betterment of self, first self and then society as whole. Yes, 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 yes. Literally, सही कह रहे हैं आप. Especially, मैं देखती हूँ गाँव के स्कूल जो उसमें ज़्यादा आगे होते हैं जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं हॉस्टल्स में बहुत स्पोर्ट्स का रहता है वेरियस जो डे स्कूल होते हैं उनके अंदर जो है नहीं इतना क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई पढ़े छोटे बच्चे को भी जो है पढ़े और इवन पेरेंट्स भी अब तक है फिर भी जागरूक हो रहे तो वो पुराने दिन गए गौन आदि देर जब हम कहते थे खेलो कूद क्या कहते हैं खेलेंगे कूदेंगे होएंगे खराब पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब तो भी उल्टा चल रहा है डीए भी हुए और केवी स्कूल्स हुए अच्छा होता है इनमें फिर भी बढ़िया है Recently, who has been the brand, okay, who has been, I can say, nominated or appointed as the brand, yeah, army school, Sainik school, dekh lijiye, bahut badhiya hai. Recently, who has been nominated as the brand ambassador of PepsiCo sports drink Gatorade. तो इसमें जो है गाइस पीवी सिंधु जो है और नीरज चोपड़ा तो ऑलरेडी इसके जो है एम्बेसडर्स रह चुके हैं अभी नहीं आ चुकी है तो इट्स अ स्पोर्ट्स ड्रिंक बेसिकली जैसे कि ये कौन सी होती है रेडबुल टाइप्स है ये आपको पंप एनर्जी प्रोवाइड करती है डिंग एक्सप्रेस एक और नाम है इनका डिंग एक्सप्रेस के अलावा दो नाम है इनके कौन सा है दूसरा नाम डिंग एक्सप्रेस बेसिकली हाँ तो मेनली स्प्रिंटर है जो शॉर्ट रेसेस होती है वो ये बेसिकली खेलती है ऑलराइट आगे बढ़ते हैं सो हिमा दास इज द करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं इन्होंने ये स्वेटशर्ट पहना हुआ है पेप्सिकोस इंडिया हैज रॉप्ड इन स्टार एथलीट अच्छा पेप्सिको की हेड कौन है अब तो इन्होंने रिटायरमेंट हो चुका है और अब ये जो है गाइस
आईएएस, और अब जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर है, इंदिरा सुई नहीं इंदिरा नरवी। गुड, वेरी गुड। इससे पहले जो है पीवी संधू जी और जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा, ये जो है ब्रांड एम्बेसडर्स ऑलरेडी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जिसको कहते हैं, व्हाट प्लेस डस इंडिया हैव इन द वर्ल्ड इन प्रोवाइडिंग एक्सपोर्टिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स? नो आइडिया, मेक अ गेस। मतलब चाहते ही नहीं कि देश तरक्की करे, हाँ चाहते ही नहीं है देश तरक्की करे, मतलब कुछ अच्छा काम कर रहा है देश फिर भी उसको पीछे ही रखना है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, शक्तिमान ऑलवेज राइट, फोर्थ गाइस। अ टॉप BIS ऑफिशियल सेड दैट इंडिया इज द फोर्थ कंट्री आफ्टर USA, UK एंड जर्मनी। नहीं मैम, अपने जवाब शहीद हो रहे हैं जिस हिसाब से, ऐसा जवान। नहीं, ये भी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कंप्लेन आई थी कि अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं प्रोवाइड करें, बट या अब जो है कहीं ना कहीं तो कैजुअलिटी कम हुई है, जो पहले के मामले के अगर देखे तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। या इससे नहीं, पहले के मुकाबले अगर आप आज से 10 साल पहले जाएं तब बहुत नंबर ऑफ जवान जाए करते थे रादर देन और, पर जितने जवान जा रहे हैं उससे ज्यादा जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग में लोग जा रहे हैं, बहुत लोग जाते हैं। तो आई फील जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट, आप देखिएगा इस मैनुअल स्कैवेंजिंग पे मैंने वीडियो भेजी थी, वो लोग अपने जो नंगे हाथों से जो है काम करते हैं, देर इज नो ऑक्सीजन सिलेंडर, देर इज नो प्रॉपर मास्क, कुछ भी नहीं दिया जाता है उनको, और कितने लोग जाते हैं पता भी नहीं होता है, ना उनके घर वालों को कोई कॉम्पेंसेशन मिलता है। ग्रेट, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री आफ्टर USA। रोना आ गया था ना, सही कह रहे हैं स्कैवेंजिंग। यस, आप खुद देखिए, मतलब हमें तो पता भी नहीं होता है कि हमारे घर से जो कूड़ा जाता है वो कहाँ जाता है। ओके, सो टू हैव इट्स ओन नेशनल स्टैंडर्ड ऑन बुलेटप्रूफ जैकेट विच प्रोवाइड 360 डिग्री प्रोटेक्शन, India has begun exporting bulletproof jacket as per its own standard, which conform to international norms. Basically, जो standards होने चाहिए तो उसके according match करने की कोशिश कर रहे हैं। Guys, मैंने जो आपको August में या July में एक और news करवाई थी कि India ने जो है अपना made in India lightest bulletproof बनाया है, तो उसका नाम क्या रखा है? Lightest bulletproof jacket, basically lightest। आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए था, फ्री प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको करवाया भी था। शक्तिमान को नहीं पता है, निश्चय अतिकुट क्या नेम रखा है? एनीवेज आई विल टेल यू, सो इट इज भाभा कवच नाम रखा गया है। और इसको इस साल जो पुलिस एक्सपो हुआ था, जैसे डिफेंस एक्सपो होता है वैसे पुलिस एक्सपो भी होता है, एक्सपो प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था जुलाई 2019 के अंदर, तो इसका जो है प्रदर्शनी की गई थी, इसको रखा गया था, प्रेजेंट किया गया था वहां पे। सो इट इज इंडियाज लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच, लाइट तो जरूरत है कि लाइट भी हो ताकि आराम से उसको कैरी कर सके। अगला क्वेश्चन, खैर ये चांसेस कम है कि आपके पेपर में कम आए, बट जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो दूसरे SSC या बैंकिंग वगैरह भी देते हैं साथ साथ में, तो उनमें क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। PM has announced government's target of setting up how many AYUSH centers? जैसे आधार सेंटर है हमारे देश के अंदर, मैंने बताया भी था कि नई दिल्ली के अंदर एक आधार सेंटर बना है और एक विजयवाड़ा के अंदर आधार सेंटर खुला है, वैसे आयुष सेंटर्स खोलने की बात चल रही है। So the correct answer here is, anyone को बताएगा? It is
12,500 12,500 आयुष सेंटर बनाने की बात चल रही है, ये 12,500 तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये अनाउंसमेंट की है इस टारगेट की, आयुष इज वॉट, इवन इफ इस बार आपको सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था, वेर इज द नेशनल सेंटर ऑफ आयुर्वेदा योगा यूनानी, सारी चीजें दी गई थी आपको, आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी भी कहा जाता है इसको, यूनानी सिद्ध होम्योपैथी, आउट ऑफ विच, हाँ आयुर्वेदिक जयपुर में, आउट ऑफ विच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेट अप 4,000 सच सेंटर्स, मतलब 12,500 में से तो 4,000 इसी साल बात करें, दैट मींस वी कैन से दे हैव ओनली 3 months नाउ. द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग गिविंग अवे योगा अवार्ड्स टू द विनर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा, मतलब योगा अवार्ड्स जो दिए गए थे. आयुष सेंटर्स है क्या बेसिकली गाइस, द मेन फोकस ऑफ दीज सेंटर्स विल बी टू एम्पावर कम्युनिटी फॉर सेल्फ केयर बाय दीज नेचुरल हीलिंग एंड सूदिंग प्रोडक्ट्स, आई कैन से बाय दिस नेचुरल एक्सरसाइजेज, बाय एसिमिलेटिंग आयुष बेस्ड हेल्दी फूड एंड लाइफ स्टाइल, तो हम जंक बहुत खाते हैं. खैर आप देख सकते हैं जो नेचुरल एलो होम्योपैथी या सारी चीजें जो होती है आयुर्वेदा वगैरह, तो इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत धीरे धीरे दिखता है, बट दैट इज लॉन्ग टाइम इफेक्ट, राइट, उसकी उससे जो है आप कंप्लीटली अपने आप को हील कर सकते हैं. हम लोग जो है जल्दी हमारा इलाज करना चाहते हैं इसलिए एलोपैथी के टूवर्ड से आते हैं, वेयर इज इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत होता है. एंड सात्विक भोजन हम सुनते हैं जैसे कि सो हेल्दी फूड एंड लाइफ स्टाइल, अभी नवरात्र चल रहे तो सब लोग शायद सात्विक भोजन ही कर रहे होंगे मोस्टली. सोशल बिहेवियर एज वेल एज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, yes yes prevention is better than cure, yoga vagera karna bhi chahiye. Aur I feel guys physical health se zyada aaj ke time pe zaruri hai ki hamari mental health pe bhi hum focus kare equally, correct. Aap dekh sakte hain sometimes hame samajh nahi aata because depression is a very wide term. To aaj jo hai main Ananya Birla ka ek jo hai dekh rahi thi unka interview and she is a very humble girl, I can say, humble young lady. So depression, से दीपिका पादुकोण की बात करती है, it's a very big term and it has some very versions also, correct. तो even if आपको लगे कि continuous, एक होता है ना दिन में हम सुबह उठते हैं and we feel कि there is no motivation to do something today, ऐसा लगता है सिर्फ बिस्तर पे पड़े हैं, so it is also a symptom of plain depression, जिसको हम plain depression कह सकते हैं. So, इसके बारे में खुल के बात करनी बहुत जरूरी है. ओके, वेयर इज द फर्स्ट कंपोस्टिंग प्लांट इन इंडिया गोइंग टू बी सिचुएटेड, कंपोस्टिंग तो ये तो बात हुई कंपोस्टिंग के बारे में. रोहित बैरागी का आंसर नहीं आया, क्या बात है आजू. Okay, so the correct answer is New Delhi. Nahi Delhi mein ho raha hai composting. The composting plant in Okhla. Achha, kya aapko pata tha ki Noida is an acron, sorry, what is it called? Abbreviation? Nahi, abbreviation to nahi kahenge. Abbreviation kahenge? Jaise main ISRO ko bol rahi hoon. To abbreviation, jaise ek to hota hai ki hum ISRO बोलते हैं और एक बोलते हैं ISRO, abbreviation ही बोलते हैं ना मेरे ख्याल से. So Noida is also an abbreviation. Did you know this thing? ये मेरे फादर ने मुझे बताया था कि Noida खुद में नाम नहीं है, Noida की फुल फॉर्म है बेसिकली न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी समथिंग, इसका ऐसे नाम है. जी हाँ, तो ओखला से मुझे ये याद आया. यस यस यस, द कंपोस्टिंग प्लांट, हाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी, यस. अच्छा, तो मैंने जो ये थोड़ा सा डेवलपमेंट अथॉरिटी तो अपनी तरफ से डाला था, पर अच्छा हुआ गलत ये सही हो गया. द कंपोस्टिंग प्लांट इन ओखला न्यू दिल्ली हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव द कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इसकी बहुत फेमस जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, COP21. ये कहाँ पे हुई थी गाइस, 21 देश आए थे यहाँ पे पूरे, कौन से साल और कहाँ पे? Yes, Paris 2015, very good.
कार्बन फुटप्रिंट भी एक बार क्वेश्चन आया कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बेसिकली, राइट, है ना, वही होता है. सो इसके लिए ये जो है किया गया है, द प्लांट हैड रिसीव 25 लाख एज एन एडवांस अगेंस्ट कार्बन एमिशन रिडक्शन अर्निंग्स फ्रॉम दिस प्लांट बेसिकली. कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इट्स लाइक अ जेनरिक टर्म है गाइस फॉर एनी ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट रिप्रेजेंटिंग द राइट टू एमिट 1 ton ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द मास ऑफ अनदर ग्रीन हाउस गैस विद अ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 1 ton ऑफ कार्बन. अच्छा ये मेरे ख्याल से ये रिपीट हुआ है आई थिंक शायद. ओके सो जैसे कि आपको पता है BS6 आ रहा है, भारत स्टैंडर्ड 6, करेक्ट. तो ये जो आपको पता है जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इवन जब फैक्ट्री सेटअप होती है तो इनका जो सर्टिफिकेशन होता है तो ये क्लियरली जो है सरकार को ये बताते हैं कि हमारे इन प्रोडक्ट्स से या हम जब ये प्रोडक्ट बना रहे प्रोसेसिंग के दौरान कितना कार्बन एमिशन हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड आई कैन से ओवरऑल जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती है. सो कार्बन क्रेडिट यही काम करता है, कोई निश्चय मिली. The concept of carbon credit came into existence as a result of increasing awareness for the need of controlling emissions. Correct. पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, अब लोग बहुत अवेयर होने लगे तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें. अब आप देख सकते हैं कि सीलिंग होने लग गई है, जैसे कि जो रेजिडेंशियल एरिया में पहले जो है लोग फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर लेते थे तो उसको जो है हटाने लग गए, सीलिंग होने लगे. दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में तो बहुत हो रहा है. द मैकेनिज्म वॉज फॉर्मलाइज इन द क्योटो प्रोटोकॉल. एक क्योटो प्रोटोकॉल आपसे बहुत पूछा जाता है और ये CDS का भी क्वेश्चन है आपका, इफ यू रिमेम्बर. एंड और इवन CAPF में भी आया था, इसमें CAPF नहीं है, CDS का क्वेश्चन 2019 का ही क्वेश्चन है. इट्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन मोर देन 170 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड द मार्केट मैकेनिज्म. या वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपको CAPF में आया था, दिस हैज कम इन CDS एंड द मार्केट मैकेनिज्म वर अग्रीड थ्रू द सब्सिक्वेंट मार्केट अकॉर्ड्स. तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है गाइस, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए रखा गया था. और अगर क्योटो प्रोटोकॉल आपसे पूछा जाए, क्योटो इज इन विच कंट्री, क्योटो प्रोटोकॉल आपसे पूछा जाए तो आपको बस ये ध्यान रखना है रिगार्डिंग कार्बन एमिशन, रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस आ जाए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. क्योटो इज इन विच कंट्री, क्योटो इज अ सिटी, इट्स नॉट अ कैपिटल, इट्स अ सिटी ओनली. कहाँ पे है क्योटो, प्लीज आप लोग थोड़ा अवेयर आ कीजिए, न्यूज देखा भी कीजिए. स्पेशली जैसे जो छवि चौधरी वाला DNA है ना, तो उसका लास्ट का जो सेक्शन आता है उसमें वो देश दुनिया की चीजें बताते हैं. जापान, वेरी गुड. तो टोक्यो और क्योटो, देखो एक जैसा सही नाम है, टोक्यो और क्योटो, इसी से क्योटो और इन्हीं लेटर से जो है टोक्यो ही बन जाएगा आपका. गुड, वेरी गुड. ओके ये अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Where is the first garbage cafe, guys? Garbage cafe. तो ये जो कचरा बिनने वाले लोग जो होते हैं, it's not capital of Japan. Capital of Japan तो Tokyo है, correct? So, okay, C कह रहे हैं, अतिकुर, छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, okay. So, बड़ा अच्छा initiative है, and I feel कि motivate होना चाहिए, हमें भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए. मुझे तो ये बहुत शानदार लगा, guys. जो कचरा बिनने वाले जो लोग होंगे तो वो जब कचरा लेके इस कैफे में आएंगे तो उनको फ्री में खाना दिया जाएगा. इट इज छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर सिटी के अंदर बन रहा है, इट्स अ यूनिक इनिशिएटिव. द अंबिकापुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया है, विल ओपन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गार्बेज कैफे विद इन फ्यू डेज. स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक स्टार्ट हो गया होगा. दिस इनिशिएटिव इज अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग दिस सिटी प्लास्टिक फ्री. इवन गाइस अभी लखनऊ के अंदर भी हुआ है कि 1 kilo प्लास्टिक लेके आओगे, लखनऊ की सरकार ने कहा है, मेयर ने बेसिकली, तो उनको सर्टेन प्राइस मिलेगा. अगर आप आधा किलो लेके आओगे तो उसका कुछ सर्टेन प्राइस है. Okay, so AR correspondent reports ke mutabik, India's first garbage cafe will soon be open in the city of Ambikapur in North Chhattisgarh. It's in this unique cafe, kya hoga guys, jo ye poor people hote hain, jo rag pickers hote hain basically, hai Appy Raja, okay, zaroor sunungi. So, we'll get free food in exchange for 1 kilogram, agar wo din ka, मतलब कभी भी मान लो 1 kilo प्लास्टिक लेके आ रहे हैं. और गाइस 1 kilo प्लास्टिक बहुत सारा होता है, कितना हल्का होता है प्लास्टिक. 1 kilo प्लास्टिक अगर लेके आ रहे हैं तो उनको उसके बदले में खाना मिलेगा,
अगर आधा किलो लेके आ रहे हैं तो उनको ब्रेकफास्ट मिलेगा, खाना इज बेसिकली लंच और डिनर जो होता है, फुल मील जिसको हम कह सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम जो है आज का सेशन फिनिश करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। मैं आपको जो है ये वाला एक होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ, रिसेंटली विच कंट्री हैज शिफ्टेड इट्स कैपिटल, अपनी कैपिटल को जो है शिफ्ट कर दिया किसी दूसरी सिटी के ऊपर। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, और अब जो है जब हम अगली स्पेशल क्लास करेंगे तो उस दौरान जो है मैं आपको क्वेश्चन करूंगी। अगली गंगाधर जी, अगला ठीक है, अगले लेसन में बताऊंगी मैं आपको। आई होप यू लाइक दिस सेशन, स्पेशली जो बच्चे पहली बार आए हैं। रोहित अगेन आई एम सेइंग फटाफट आ जाओ प्लस के ऊपर, यूज दिस रेफरल कोड और बाकी लोगों को बताइए। इफ यू लाइक, इफ यू जेन्युइनली लाइक दिस सेशन तो फीडबैक में जरूर आप जो है थोड़ा सा मुझे पैट कर दीजिएगा। इसके अलावा देखते हैं बच्चे अति गुड, देखते हैं क्या होगा। इसके अलावा जो है आप जल्दी से ऑफिस से, मैं कह रही हूँ प्लस पे मचा दिया, अरे वाह बस हाँ बहुत हार्ड प्रो, ओके ऑलराइट। सो मिलते हैं 7 बजे, अब हमारी प्लस की पॉलिटी क्लास है, आइएगा जरूर। ओके okay?